नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के लिए बरसात के मौसम में सबसे अच्छा जो हमारा कीटनाशक है वह कौन सा है, जो अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सके, अच्छे कार्य कर सके और हमारी जो फसल होगी इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर सके। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। इस समय पर तक किसान भाई जो है बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे फंगिसाइड और बहुत सारे खादों का उपयोग कर चुके हैं और बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट मिल भी रहा है। और कुछ किसान भाइयों को दिक्कत ये आ रही है कि सब कुछ डालने के बाद भी उनके जो गन्ना है वह अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट इस तरह के थे कि उनका जो गन्ना है कहीं पर छोटा है, कहीं पर बड़ा है। कुछ किसान भाइयों को दिक्कत ये है कि उनके गन्ने के अंदर टिलरिंग ही नहीं है। कुछ किसान भाई कह रहे हैं टिलरिंग बहुत ज्यादा हो गई है, गन्ना मोटा नहीं हो रहा है। तो सभी तरह की दिक्कतें किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में, कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूं, इसका उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो ये गन्ने की लंबाई को भी बढ़ाने में मदद करेगा, गन्ने की मोटाई को भी बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर लगभग लगभग सभी कीटों से बचाने में आपकी मदद करेगा। तो आप इसका उपयोग एक बार जरूर कर सकते हैं। एक बार उपयोग करके आप यदि देखेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको किसान भाइयों बता दूं कि इसके लिए कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानियां ये हैं कि जैसे ही आप इसका उपयोग करेंगे 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको पानी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि इससे पहले आप किसी कीटनाशक का उपयोग कर चुके हैं तो इस कीटनाशक का उपयोग गलती से भी नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए पहले इंसेक्टिसाइड में और दूसरे इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने में आपको कम से कम 30 से लेके 40 दिन का अंतर रखना चाहिए, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब बात कर लेता हूं कि इस समय पर हमें कौन से कीटनाशक की कितनी मात्रा अपनी फसल के अंदर लेनी चाहिए। लगभग लगभग किसान भाइयों, आप सभी भाई किसान भाइयों को जो गन्ना होगा लगभग 8 से लेकर 10 फीट के आसपास का हो चुका है और इस समय पर हमें गन्ने की फसल के अंदर गन्ने की मोटाई भी चाहिए, गन्ने की लंबाई भी चाहिए और गन्ने के अंदर हमें एक ऐसा कीटनाशक इस समय पर डालना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी गन्ने की फसल के अंदर कोई भी कीट ना लग पाए या फिर कीटों से हमारे गन्ने को बचा पाए। तो किसान भाई इस समय पर आपको उपयोग में लाना चाहिए, एक तो लेना चाहिए थायमेथोक्सम। थायमेथोक्सम जो है किसान भाई ये गन्ने से कीटों को भी बचाएगा, यानी कई सारे रोगों को बचा करके चलता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके गन्ने की मोटाई बढ़ाने में भी थायमेथोक्सम का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये किसान भाइयों आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, दानेदार फॉर्म में भी मिलता है और कई खादों के अंदर ये कई सारे कीटनाशकों के साथ ये अंदर से मिक्स होकर के आ रहा है। तो यदि आप चाहें तो थायमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसकी मात्रा आप अलग से भी ले सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप वर्टैगो का उपयोग भी कर सकते हैं। जो वर्टैगो आती है, वर्टैगो के अंदर 1% जो आपका थायमेथोक्सम पहले से डला हुआ है जो दानेदार फॉर्म में आता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह आती है कि वर्टैगो मार्केट में इस समय पर लोकल बहुत ज्यादा मिल रही है और लोकल होने की वजह से किसान भाइयों ये आपको अच्छा रेट नहीं दे पाती है। कुछ किसान भाइयों कमेंट आए कि आपने वर्टैगो डलवाई और वर्टैगो डालने के बाद भी हमारे गन्ने के अंदर कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वर्टैगो का रिजल्ट नहीं है, वर्टैगो का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन यदि आपने वो लोकल खरीद लिए तो इसमें मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि ओरिजिनल वर्टैगो ही आपको खरीदनी थी, ओरिजिनल और लोकल की पहचान आपको नहीं है तो मेरा दूसरा चैनल है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट, उस चैनल पर जाकर के आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 5 से लेकर 6 ऐसे तरीके बताए हैं, उनकी पहचान करके आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि वर्टैगो ओरिजिनल है या फिर नकली है। तो इस तरीके से आप पता लगा लीजिए। तो यदि आप वर्टैगो की मात्रा की मैं बात करूं तो इसके अंदर किसान भाइयों क्लोरेंट्रा लिलीप्रोज यानी जो हमारा कोरोजन का टेक्निकल होता है ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है 0.5% फॉर्म में। और दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर थायमेथोक्सम है 1% में जो दानेदार फॉर्म में आता है और बहुत ही कमाल का और बहुत ही शानदार ये टेक्निकल और बहुत ही खतरनाक कीटनाशक ये है। यदि आप इसका उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर एक बार कर लेते हैं तो गन्ने की लंबाई को भी बढ़ाएगा, गन्ने की मोटाई को भी बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर से कीटों को भी हटाने में मदद करेगा। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे ले लीजिए और इसे यूरिया के अंदर मिक्स करके और एक इस समय पर आप कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर ले सकते हैं या सागरिका ले लीजिए, बायोटेल ले लीजिए और उसकी मात्रा 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के इन तीनों को मिक्स कीजिए और अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवा दीजिए। इससे गन्ने की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, गन्ना आपका अच्छी तरीके से बढ़वा कर पाएगा और गन्ने की मोटाई भी किसान भाइयों बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें ओरिजिनल मिलेगी तभी रिजल्ट देगी, ओरिजिनल नहीं मिलेगी तो बिल्कुल भी रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई थायमेथोक्सम लिक्विड में डालना चाहते हैं तो 30% FS फॉर्म में ले सकते हैं और इसकी मात्रा 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और साथ में किसान भाइयों आप कालिया का उपयोग भी कर सकते हैं और कालिया की मात्रा यहां पर आपको लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इस तरीके से किसान भाई ये बहुत ही अच्छा और शानदार
कीटनाशक के बारे में आपको बता चुका हूं, यदि इनमें से किसी एक का आप उपयोग कर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी और कीटों से बच जाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय।